उठाओ और देखना कोई चीज टूटे ना। रोज ये सब कुछ क्या है? मैंने ऑफिस खत्म कर दिया है। ऑफिस खत्म कर दिए? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। फाइनेंस की जिम्मेदारी भी मैं ताया जान और नवाज के हैंडओवर कर दी है। अरुज देखो, जो कुछ भी हुआ तुम्हें यूं ऑफिस तो नहीं ना खत्म करना चाहिए था। जो मैंने करना था मैंने कर दिया। और मुझे यकीन है कि जो भी डिसीजन मैंने लिया है उससे कंपनी को बेनिफिट ही होगा। और वैसे भी अब मुझे इस ऑफिस की जरूरत भी नहीं। हाँ हाँ भाई, अब इस ऑफिस की कहाँ जरूरत रहेगी? अब वही नहीं रहा जिसके साथ इस ऑफिस में दिल लगा हुआ था। अरे यार, सब कुछ आज ही खत्म हो जाता है। क्या करूं, शांसे को टेक्स्ट कर देता हूं। शांसे में के लिए मेडिसिन के फेवरेट बिस्किट का नाम टेक्स्ट कर रहा हूं लेते हुए ना। कॉल कर देता हूं बोल के।
आप हेलो शांजे जी अम्मा शांजे तुम अभी क्या कर रही हो क्या तुम मेरे घर आ सकती हो क्यों खैरियत है ना हाँ यार वो एक्चुअली मैं घर से बाहर नहीं आ सकता अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है और मैंने अम्मी के मेडिसिन और उनके फेवरेट बिस्किट तुम्हें टैक्स कर दिए हैं क्या तुम वो लेते हुए आ जाओगे हमाद इतनी सी बात के लिए इतनी लंबी तमहीद बांधने की क्या जरूरत थी लेकर आती हूँ पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं क्या बोलूं मैं अम्मा तुम्हें ठीक है आती हूँ मैं ओके बाय बाय थैंक यू कभी ना ये ले ये फाइल्स भी लें और ये लैपटॉप मेरे कमरे में जाकर रखें और एहतियात से रखिएगा जी छोटी बीबी साहिबा एक बात पूछूं छोटी बीबी साहिबा जी आपने ये ऑफिस क्यों खत्म कर दिया अच्छी खासी रौनक लगी थी आप नहीं समझेंगी ये चीजें मेरे कमरे में रखते हैं जैसे आपका हुक्म यूनिवर्सिटी के बाद कोई कांटेक्ट नहीं किया आप कहीं गायब हो गए तुम तो जनाब आप ही गायब हो गई थी तो फिर मैं कांटेक्ट कैसे करता वैसे तुम्हें जो अचीव करना था वो तुमने कर लिया गुड मैंने तो अचीव कर लिया और तुम अपना नहीं बताओगे मिडिल क्लास लड़का सिर्फ अपने फ्यूचर बनाने में लगा रहता है हम तो पढ़ाई भी पढ़ाई के लिए नहीं करते कॉलेज यूनिवर्सिटी सिर्फ एक अच्छी जॉब के लिए जाते हैं वही पुराना अंदाज वही इनकलाबी बातें वैसे मेरी बातें तो सिर्फ बातें ही रह गई हैं इनकलाब नहीं ला सका वो तुम ला भी नहीं सकते क्या है ये सब कुछ क्या ताईजान तुमने अपना ऑफिस क्यों खत्म कर दिया है खत्म नहीं किया बस पुरानी जगह पर शिफ्ट कर दिया है वापस ओके अच्छा ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ है मीटिंग के बाद तो इद्रीस बिल्कुल बदल गए तुमने उनकी सैलरी भी बढ़ा दी है ये सब कुछ इतना अचानक और अब आप पूछेंगी कि इन सब की वजह क्या है हाँ ना बताओ ना मुझे भी तो पता होना चाहिए मुहाइदे के मुताबिक मैं मीटिंग की कोई भी बात बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकती आई एम सॉरी उरुज प्लीज ओके असली हकीकत तो आप में से कोई भी नहीं सुन सकेगा सबका दिल रखना है और सारे रिश्ते भी संभालने हैं मुझे